पहली बार कोई कुछ बोला। घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे, समझे ठीक है, वही लेके निकला। पहली बार किसी ने गैंगस्टर का राज खोला। एक कौन सी थी वो बंदूक की जांच नाम थी। पहली बार विकास दुबे का कच्चा चिट्ठा खुला। नहीं वो बाहर बुलाता था, गांव के बाहर एक बगिया है उसके खेत में वही बुलाता है, घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते हैं। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे का राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आज तड़के कानपुर में ही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगस्टर विकास यादव के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, जो उस खौफनाक वारदात के वक्त विकास के साथ ही था। गैंगस्टर ने कैमरे के सामने कबूल किया कि विकास दुबे ने खुद पुलिस पर फायरिंग की। विकास को पुलिस के आने की खबर थी, थाने से ही मिली थी पुलिस रेड की खबर। विकास ने फोन पर 20-25 लोगों को बुलाया, सभी हथियारों से लैस होकर आए थे। गांव के पास बगिया में होती थी गैंग की बैठक। जिसके पास अब एक बंदूक है बस वही मार वाली, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी है, निरे सलाह है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उससे ने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूरी हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो हमने देखा नहीं, बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हमने हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो कुछ नहीं। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे, समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी वो बंदूक की जांच से बैठा तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं वो बाहर बुलाता था, गांव के बाहर एक बगिया है उसके खेत में वही बुलाता था, घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते हैं ज्यादातर, तो जो फैसला वाले जो मेरा बन जाए। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो नहीं बता सकता। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई पुलिस आने वाले उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? उसी का आया, थाने से। गिरफ्त में आए विकास दुबे के गुर्गे का नाम दयाशंकर अग्निहोत्री है। दयाशंकर काफी वक्त से विकास के गैंग में शामिल था। पुलिस पर हमले के वक्त भी वो विकास के साथ था। दयाशंकर को पुलिस काफी वक्त से तलाश रही थी, उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दयाशंकर के कबूलनामे की तस्दीक पुलिस ने भी की है। कानपुर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि विकास दुबे गैंग की फायरिंग में SSP को भी गोली लगी। गोली सीधे सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। IG भी बाल बाल बचे, उनके कान के पास गोली लगी। पुलिस को ट्रैप करने के लिए गैंगस्टर ने JCB का इस्तेमाल किया, उसे बीच सड़क पर इस तरह लगा दिया ताकि पुलिस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर।